आई गई दोस्तों, ये देखो कौन आ गए। हमारी भाभी। ए भाभी, पिए कि नहीं पानी? पिए। और जो भाभी जी से रिलेटेड बातें हैं कि वो इतने महीने तक क्यों नहीं आई, क्या रीजन था, झगड़ा वगैरह क्या हो गया, ऐसा कुछ विवाद हो गया क्या? हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 11 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में। बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है भैया लोग, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत तगड़ा धूप है भैया, एकदम कचा का धूप। और देखिए हवा भी नहीं चल रहा है, पत्ता तक नहीं हिल रहा भैया। आप सभी ने देखा था पिछले ब्लॉग में हमारे न्यू किचन का दीवार पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, और अब बारी है इसके ऊपर अल्बेस्टर, जो सीमेंट वाला टीना होता है ना, उसको रखने की। तो अभी ये सब रखा जा रहा है, इसी के ऊपर हम लोग टीना रख देंगे। और दो लोहा है हम लोग के पास, दो पाइप वाला जो लोहा होता है ना, उसको वहां से लेकर यहाँ तक दो रख देंगे बीच बीच में। और हम लोग को लकड़ी ही यूज करना पड़ रहा है। पहले आप सभी को बताएं, थोड़ा हम लोग का पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है अभी, और आप सभी को ये भी बताएं कि ये हम लोग का टेम्पररी है, इसलिए हम लोग इसको बहुत कम बजट में ही तैयार करना चाहते हैं, ज्यादा इसमें पैसे भी ना खर्च हो और मजबूती भी हम लोग की बनी रहे। ये थोड़ा ना इतना कमजोर है कि गिर उड़ जाएगा, ना ही टूटे उठेगा, बिल्कुल भी डर नहीं है, पूरा एकदम साल है ये, बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत है। खाना ना खाए? गई थी कि नहीं कोचिंग? क्यों नहीं गई थी? कभी नहीं जाती है। अच्छा हाँ। उसको ना एक दिन बुखार चढ़ गया था, तभी से नहीं जा रही है। अच्छा, उसको जब बुखार उतर जाता है उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा लगता है। पढ़ के आती है, बस सब आ देती है, चलती है घूमने बगीचे में। अच्छा, खम्मा गढ़ रहा हम लोग के यहाँ, खम्भा खम्भा खम्भा। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि जब बगल में खम्भा लगा ढेर सारा, तो ये एक्स्ट्रा खम्भा कहे लग रहा है? लाइट वे तो देना है ना, कि ये लोग पैसा वैसा देगा घर घर कनेक्शन? जब हम लोग का इधर ईट गिरा था तो पूरा चार पांच ट्राली ईट ही ईट था, ये देखो दो तीन छल्ली बचा। खम्बा गढ़ने के बाद लाइन से खम्बा ही खम्बा दिख रहा है। आम है का अम्मा? हाथ का तोड़ा हुआ भैया। चल 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 चल, आई गई दोस्तों, देखो कौन आ गए। हमारी भाभी। कितना महीना की भाभी? चार पांच महीना, चार पांच महीना। उम्र अदिति रे सोनवा। लाओ भैया, लाइए भैया एक और पकड़ा दीजिए जो हल्का हो। पकड़ा दीजिए, सॉरी। अरे सारा सामान ढो लिए। सलोनी सलोनी है लाला, ठंडा ठंडा ले आते हैं, ठंडा यहीं पर बाइक दिखाते हैं ना, यहीं पर हमारे हैं। बैठ 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 लाला, जल्दी बैठ। ठंडा स्प्राइट 2 लीटर। तो दोस्तों हम लोग ठंडा लेकर घर निकल दिए हैं। लाला, ए लाला, अरे वो दूसरा वाला कहाँ गए? ये देखो भाई बहना का सेम टू सेम एकदम बढ़िया लग रहा है। ए भाभी, पिए कि नहीं पानी? पिए। अदिति को सर्दी जुकाम हुआ है इसलिए अदिति को नहीं दे सकते हम लोग। बच्चों लोग बताओ, अच्छा लग रहा है ना? हे लाला अदिति, अदिति मीठा भाई। ये लोग ठंडा ठंडा पी के, अब देखो चारों लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, अब मजा आएगा। बहुत दिन से इंतजार था कि चारों लोग कब एक साथ आएंगे। अदिति खिला रही थी सलोनी को। दोस्तों शाम का वक्त है, 6 बज चुके हैं, और हम लोग का जो न्यू किचन बन रहा है ना, उसमें टीना वाला जो एल्बेस्टर है, वो टीना वाला सीमेंट, सीमेंट वाला टीना, वो सबको रखना है। तो ये देखिए पिताजी पाइप वगैरह ला रहे हैं, कुछ हम लोग, अरे बहुत करिया दिख रहे हैं यार, कुछ हम लोग पाइप भी लगाएंगे थोड़ा बहुत, और हम लोग जो ये लकड़ी लगाए हैं इसका भी यूज करेंगे।
फिर इधर साइड भी लकड़ी उकड़ी लगा दिए हैं, ये देखिए इधर साइड ये वाला, और बीच बीच में पाइप लगाया जाएगा, दो पाइप लगाया जाएगा। चलो सनसेट का टाइम देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना गजब व्यू दिख रहा है। ओ भैया बड़ा प्यारा लग रहा है, इधर कर दादा। चलो ठीक बस लुढ़क रहा है ये तो। हाँ रुक जाएगा। चलो दूसरा वाला भी ले आए, कल लाए उसको। ठीक है ठीक है, तो एक वो भी लाना है। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये सबको हम लोग को पूरा जाम करना पड़ेगा ना दादा। तब उसके बाद टीना रखा जाएगा। तब का सही थोड़ा दबाना पड़ेगा, नहीं तो इस सिर में लग जाएगा दादा। पिताजी बोल रहे हैं सुबह को जाम करके पाइप वगैरह सब कुछ लगाया जाएगा और टीना भी रख दिया जाएगा। अदिति मजा आ रहा है सही में? अगिरति आपको अच्छा लग रहा है? दीदी आ गई, आपकी कैसा लग रहा है? और दोस्तों एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना, एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना कि ये जो हमारे नए घर में ये वाला रूम है इसमें खिड़की क्यों नहीं लगवाए। इस बात को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग बिल्कुल एकदम बखूबी देख सकते हैं, यहाँ पर एक खिड़की हम लोग लगवाए हैं। यहाँ पर पहले लोहे वाला खिड़की था, उसको निकाल के हम लोग दूसरा वाला खिड़की लगवाएंगे। तो खिड़की तो है, अब समझ नहीं आ रहा हमको कि ऐसा कमेंट क्यों आ रहा है, आपने खिड़की नहीं लगवाया। अब खिड़की यही ना बोलते हैं, इसी को ना खिड़की बोलते हैं। बहुत टाइम से हम कंफ्यूज है कि आखिर जब खिड़की लगवाए हैं तो ऐसा कमेंट क्यों आ रहा है। अब आप लोग बताइए ना, ये खिड़की है ना, और एक कमेंट ना बहुत ज्यादा आ रहा था, बहुत ज्यादा कि आपकी भाभी कहाँ है, उसका क्या रीजन है, क्या झगड़ा उगड़ा हो गया है। ये सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा था, बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, लेकिन हम कुछ कारण बस दोस्तों जवाब नहीं दे पा रहे थे। हम सोचे पूरा क्लियर आप सभी को, जब भाभी जी आएंगे तब आप सभी को बताएंगे पूरा बखूबी अच्छे से, इसीलिए अभी तक आप सभी से इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किए। और भैया जी भी नहीं है, मतलब जो हमारे बड़े भैया हैं वो भी नहीं है, वो उनके बारे में हम एक बार जिक्र किए थे बीच में। वो भैया जी हमारे गए हैं मुंबई में, आप सभी को पता है कि भैया गांव देहात का जो भी लोग रहता है वो दिल्ली मुंबई जाते हैं पैसे कमाने के लिए, परदेश ये फिक्स रहता है। हम तो भैया आप सभी के प्यार और सपोर्ट से थोड़ा बहुत लाइक बन गए कि मतलब हमारा गुजर बसर हो जा रहा है यहीं यूट्यूब से ही, नहीं तो हर कोई जाता है घर में, चाहे जो चाहे छोटा भाई चाहे बड़े भैया, चाहे सबको जाना ही पड़ता, चाहे पिताजी, तो ऐसा सीन है भैया इसलिए परदेश गए हैं। और भाभी जी मतलब मायके थी, अभी लगभग 5 महीने बाद आई हैं, तो सोचा आप सभी को इस बारे में कुछ जिक्र करते हैं। और जो भाभी जी से रिलेटेड बातें हैं कि वो इतने महीने तक क्यों नहीं आई, क्या रीजन था, झगड़ा वगैरह क्या हो गया, ऐसा कुछ विवाद हो गया क्या, इस चीज को लेकर आप सभी को अगले ब्लॉग में पूरा बताएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा होगा, एंड करने का टाइम आ चुका है। अगले ब्लॉग में आप सभी को पूरा क्लियर बताएंगे। भाभी जी अभी रेस्ट कर रही हैं, तो अभी हम परेशान नहीं कर सकते उनको, अभी आई हैं तो फिर मतलब क्या ही परेशान करें, आप लोग समझ सकते हैं। कल एकदम बढ़िया से पूछेंगे उनसे क्या कुछ रीजन है, सारा कुछ आप सभी को बताएंगे कि हम लोगों के बीच में क्या झगड़ा हो गया है, जो अभी तक नहीं आई थी वो क्या रीजन है, सारा कुछ आप सभी को A to Z बताएंगे। और चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।